हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं FIS डेटा फॉर 22 अगस्त 2024। किस वे में ये अपना डेटा बिल्ड करके गए बिफोर फेड कॉन्फ्रेंस। फेड कॉन्फ्रेंस है आपकी 12:30 रात को एंड 11:30 पे डेटा वो अपडेट करेंगे, ठीक है। तो किस वे में बिग प्लेयर का प्लान है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बट सब कुछ डिपेंड करेगा कि फेड कॉन्फ्रेंस को किस वे में लिया जा रहा है ना। तो ग्लोबल मार्केट के रेस्पेक्ट में आपको वर्क करना है, बट ऐसा सच नहीं कि हाँ यार ग्लोबली अगर हमें दिख रहा है कि यार बियरिश हुआ डाउज तो हम भी बियरिश हो गए, है ना। बियरिश का मतलब सुबह मॉर्निंग में गैप डाउन हो जाएगा, बट उसके बाद आपको वो बियरिशनेस नहीं दिखेगी, ठीक है। और अगर गैप अप हुआ तो फिर आप उसके साथ नहीं, फिर किस लेवल पर आपको बाय करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज ज्वाइन करने। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो यहाँ पर स्लाइटली सेलिंग की है FIS ने और DIS ने काफ़ी बड़ी बाइंग की है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट टू वीडियोज़ में, कि मार्केट अब कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। एंड जिन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया होगा तो उन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अब आज वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अब मार्केट डिपेंड करेगा ग्लोबल सिनेरियो पर, ठीक है। इसलिए अब चेंज हो सकता है मार्केट का सिनेरियो। सो इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ, छोटी सी सेलिंग है यहाँ पर, और अगर स्टॉक फ्यूचर की बात करें छोटी सी बाइंग है, तो ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब नहीं रहेगा। विक्स की बात करें, विक्स डाउन हुआ है आज। यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो काफ़ी बड़ी बाइंग कर रखी है, एंड निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है उसमें 7,327 करोड़ की बाइंग है, तो एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी थी इसलिए यहाँ पर भी बाइंग है। सो बैंक निफ्टी ही लीड करेगा अगर ऊपर जाना होगा मार्केट को या नीचे जाना होगा, ठीक है। अभी तक जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, दैट इज़ पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहा है ये, यानी ऊपर के चांसेस थोड़े स्लाइटली ज़्यादा हैं, यानी 70% चांसेस क्या रहेंगे ऊपर की डायरेक्शन के और 30% डाउनवर्ड डायरेक्शन के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, इनमें स्लाइटली सेलिंग है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है आफ्टर फेड कॉन्फ्रेंस, तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात करें निफ्टी के लेवल की, लेवल वाइज अगर देखें, देखो 786 अगर ये टूटता है तो आपको 950 तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मान लो गलती से गैप अप यहीं हो गया तो दैट इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, थोड़ा नीचे आएगा फिर हमें बाय कहाँ करना है, फिर हमें यहाँ कहीं बाय करना है, ठीक है। यानी इस कैंडल के हाई पर या फिर इस कैंडल के लो पर या इस कैंडल के हाई पर यहाँ बाइंग करना, तीनों एक ही पॉइंट है, ठीक है। फिर ज़बरदस्ती यहाँ अगर गैप अप हो जाता है तो बाइंग पे नहीं जाना, यहाँ पर अगर गैप अप होता है इस पॉइंट पे हो जाए 840 के राउंड तो वापस यहाँ आने का वेट करना है, फिर बाय करना है। अगर गैप डाउन हो जाता है 680 के अराउंड तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, 580 के अराउंड होगा तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। गैप अप होता है बड़ा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी फर्स्ट कैंडल में, उसके बाद फिर मार्केट सिनेरियो बनाता है तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। जैसे 950 ब्रेक होता है, 950 ब्रेक होगा तो फिर 25,070 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, और मेजर आपका करेक्शन तब तक नहीं आएगा जब तक 580 का लेवल मजबूती से होल्ड कर रहा है। 580 अगर टूटता है तो फिर हमें 400-300 फिर बियरिशनेस स्टार्ट हो, तो जब तक 580 के ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, बट बुलिशनेस किस वे में हमें प्ले करना ये क्लियर रखना। बड़े गैप अप पे हमें नहीं करना, बाय करेंगे बट उसको डिप करने देना। साइड वे होता है यहाँ पर होल्ड करता है तो फिर 2-3 कैंडल बन जाए तो फिर हम बाय कर सकते हैं, तो ये क्लियर रखना कब तुम आपको बाय करना है, कब बाय नहीं करना। ज़बरदस्ती बाइंग और सेलिंग नहीं करनी हर किसी लेवल पर। बड़े गैप डाउन हो जाते हैं हम सेल कर देते हैं और फिर मार्केट ऊपर उठ जाता है, वो उन चीज़ों में ट्रैप नहीं होना। बड़ा गैप अप हो जाता है हम बाइंग करते हैं, चेज करते हैं और फिर मार्केट करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब करेक्ट होकर ऊपर जाता है तब तक हम ऑलरेडी लॉस बुक कर चुके होते हैं, तो उस चीज़ को नहीं करना। क्लियर रखना है यहाँ गैप अप होता है यानी 950 पे होता है तो 840 आने दीजिए, 840 आता है तो बाय करेंगे। अगर 840 पे ही होता है तो फिर 770 का वेट करना है, 780 के अराउंड हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो ये SLB लेके चलूँगा मैं, है ना, इससे ज़्यादा नीचे नहीं। और अगर गैप डाउन होता है 580 पर आता है तो ये काफ़ी अच्छा आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि फिर 770 तक के लेवल आपके ओपन हो जाएंगे।
580 अगर टूटता है, इसके नीचे रेजिस्टेंस फेस करता है, तो फिर आपको मार्केट में थोड़ा सा क्यूरियस होना है, फिर हमें बाय ऑन डिप नहीं करना है। 580 के नीचे मान लो जाता है और वापस आ जाता है तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, है ना। नीचे जाएगा वापस आ गया तो फिर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी। सिमिलर वे में इसके ऊपर जाता है और नीचे आता है तो दैट इज़ ऑल्सो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। वेट करना है, लेवल पे दिखे तो सेल बाय करना है, अदरवाइज नहीं करना। आई होप छोटी सी एनालिसिस पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।